इस सपने को हकीकत करने की बहुत कोशिश की, आत्म बलिदान इसके पीछे, आज लग रहा है कि हमारा सपना पूरा हो रहा है। हाँ, 2009 में भी कांग्रेस सरकार ने इसी तरह का फिर डिसीजन दिया था, पर तब उनके पास बहुत सारे बहाने थे, बहुत सारे यूटर्न्स भी थे। पर अब डिसीजन कमेटी, जिनका उनका जो सुप्रीम डिसीजन कमेटी है वो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, और सारे जो उसमें जो यूपीए के अलायंस है वो सारे उन्होंने आज तेलंगाना के लिए हरा झंडा दिखाया। हम बहुत खुश हैं, हाँ, बल्कि 10 साल का जो हैदराबाद को राजधानी कॉमन कैपिटल कर दिया है, हम इस पर डिमांड करते हैं कि 10 साल करें, क्योंकि 10 साल का बहुत बड़ा इश्यू है। इस तरह से चंडीगढ़ का अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, और हाँ, एक तो हमें है, ये एक टेम्पररी जीत हमारी, और जरूर हम कांग्रेस को खुशी बधाई भी देते हैं कि उन्होंने हमारी सुन ली। और हाँ, जब तक इस बिल को पार्लियामेंट में पास नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा संघर्ष भी जारी रहेगा। उत्साह या आनंद या खुशियां मनाई जा रही हैं। मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हूँ, जहाँ से इस मूवमेंट की जो पीपल्स मूवमेंट थी, जो मास मूवमेंट था, उसकी शुरुआत हुई थी। छात्र इकाई यहाँ की, उन्होंने इस आंदोलन को, जो मूवमेंट था, उसमें अपना योगदान दिया। हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो इस घोषणा के बाद काफ़ी खुश हैं। छात्र नेता यहाँ के जो स्पोक्स पर्सन है यहाँ की स्टूडेंट्स विंग के, कृषांक हमारे साथ हैं। कृषांक, सबसे पहले प्रतिक्रिया, तेलंगाना राज्य के निर्माण की घोषणा हो गई है, जो आपकी मांग थी कि 10 जिले होंगे, 10 डिस्ट्रिक्ट होंगी, लेकिन हैदराबाद दोनों राज्यों की राजधानी होगी, क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया? हैदराबाद दोनों की राजधानी होगी, दोनों प्रांतों की। ये इससे हम सहमत नहीं है, क्योंकि हमने डिमांड किया है सिर्फ 5 साल, और ज़रूर ये डिमांड हम जारी रखेंगे, क्योंकि 10 साल जिस तरह से हम देख रहे हैं चंडीगढ़ का जो इश्यू है अब तक वो सेटल नहीं हुआ है, अभी भी कंटिन्यू जारी चल रहा है। तो इसी कारण हम उनको कह रहे हैं कि कल डिमांड रखेंगे कि 5 साल कर दे इसको, क्योंकि वहाँ पे भी उनके पास पैकेज जाएंगे, हम भी उनके लिए लड़ेंगे, वहाँ के सीमांध्रा के जो नेता है, वहाँ के प्रांत के लोग हैं, उनके लिए लड़ेंगे कि उनको अच्छा पैकेज मिले और उनके राजधानी के लिए निर्माण होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत गरीबी है, तो वहाँ के लिए भी न्याय होना चाहिए। पर आज हम खुश हैं कि कांग्रेस आखिरकार उन्होंने अपने आँख खोली है, 60 साल की जो प्रजा संघर्ष है, आज उन्होंने इसको फिर इसको एहसास किया, और इसी कारण उन्होंने अपने प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया, क्योंकि जिस तरह से वो लोग कैबिनेट को ये मिला रहे हैं, तो जरूर हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। खास लोग अब के लिए हम बहुत खुश हैं। क्या लग रहा है कि जो आंदोलन शुरू हुआ था उसमें आज पहली जीत हासिल हुई है? हाँ, पहली जीत हासिल हुई है, और ये हासिल इस तरह से हुई है, जिस तरह से सारे प्रजा, सारे जनता और छात्र मिलके, फिर बहुत सारे छात्रों ने आत्म बलिदान किया। आज का जो ये जीत है वो श्रेय जाता है वो सारे अमर वीरों को, जिन्होंने तेलंगाना के लिए निस्वार्थ त्याग कर दिया है। जरूर कल के आने वाले तेलंगाना में जो 2014 है उसमें तेलंगाना
की शक्ति को, तेलंगाना के राष्ट्र को कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस जान चुकी है, वहाँ के अधिनेता जी, सोनिया जी और राहुल जी, उन्होंने तय कर लिया है कि तेलंगाना देना चाहिए, तो कोई कैबिनेट या कोई भी रोक नहीं सकता। तेलंगाना के प्रजा बहुत तय हो चुका है कि तेलंगाना आने वाला, इस बार उसे कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल।